नमस्कार, मैं आरती द्विवेदी। आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। सिहावल संवाददाता अमर द्विवेदी की खास रिपोर्ट। सीधी जिले में कमरजी थाना अंतर्गत ग्राम बढ़ौना में अवैध रूप से दबंगों द्वारा किया जा रहा मकान निर्माण कार्य, जिसके द्वारा मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है उनके पट्टे की भूमि होने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन में किया जा रहा है अवैध रूप से निर्माण। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और मैं हूं अमर द्विवेदी। आज मैं यहां पर खड़ा हूं सीधी जिले के सीधी विकास खंड अंतर्गत ग्राम करुई खाण में, ग्राम बढ़ौना में। यहां पर कुछ लोगों द्वारा सड़क के किनारे मध्य प्रदेश शासन के जमीन में अतिक्रमण किया जा रहा है, या यूं कहें कि अवैध रूप से निर्माण कार्य मकान का किया जा रहा है, जो यहाँ के हरिजन और आदिवासी स्थानीय निवासी हैं उनके घर के बगल में ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं उनके निस्तार की जगह में ये निर्माण कार्य किया जा रहा है और उनके द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई है थाने अमलिया में। यहाँ पर जो जो थाना पटपरा में कमरजी थाना लगता है यहाँ का, और जो यहाँ के शिकायतकर्ता हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है, किस प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं। समस्याएं ये आ रही हैं कि इनके पट्टे कब्जे की स्वतः ज़मीन है और ये जो है तो अपने ज़मीन में मकान निर्माण नहीं कर रहे हैं, और दरकंदाजी से हमारे आदिवासी भाई और हरिजन जो भी हैं इनको प्रताड़ना करके और इनके आम के पेड़ के नीचे जबरदस्ती इनके मना करने पर जबरन जो है तो मकान निर्माण किया जा रहा है। कई बार इनके जो यहाँ के शटरिंग वाले भी हैं इनसे भी कल बात हुई थी, और इनसे बात हुई तो बोले दादा ऐसा है कि हम तो काम करेंगे। तो इस तरीके से हम फ़ोन से बात किए और साहब से भी पटपरा में बात किए, तहसीलदार साहब से भी बात हुई है, पटवारी साहब से भी बात हुई है, और इनको न्याय मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये मकान निर्माण नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से ये ध्वस्त हो, अगर अवैध तरीके से अगर बनाया जा रहा है तो अपने पट्टे कब्जे की ज़मीन बनाएं तो अच्छा होगा। आपका नाम क्या है? प्रेमलाल कौर। प्रेमलाल कौर, क्या समस्या है आपको? हमारी यही समस्या है कि ये आम का हमारा पेड़ है वो कट जाएगा। हमें बोले थे कि ये धरना मत बनाओ, मना कई फिर 10 फेर किया तो मना नहीं, ये वो बना रहे हैं जबरदस्ती बना रहे हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या आपकी मांगे हैं? हमारे यही मांगे हैं कि हमारा आम का वृक्ष नहीं कटना चाहिए। क्या जहाँ पर आप निवासरत हैं इस जगह पर, तो क्या आपके कब्जे की भी ज़मीन में वो लोग निर्माण कार्य करा रहे हैं? कब्जा नहीं है आपका, यानी निस्तार है आपका उस ज़मीन में? हाँ, निस्तार तो हमारा। तो आप प्रभावित हो रहे हैं इस अवैध निर्माण कार्य से? नहीं, खुलकर बोलिए ना, किसी का दबाव नहीं है। यदि आप प्रभावित हो रहे हैं उससे तो प्रशासन उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेगा, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, हमारा निस्तार है तो हम करेंगे। निर्माण कार्य हो रहा है, जिनका यहाँ पर निस्तार है उनके द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कथन है इस संबंध में, क्या कहना चाहती हैं आप? जी, सरपंच बोले हैं तेजी कि मतलब यहाँ जो है तो घर बनेगा हमारे द्वारा, ऐसा सरपंच बोले हैं जी। अच्छा, यानी यह सरपंच की भूमिका के साथ, यानी सरपंच के सहयोग के साथ यह घर निर्माण कार्य कराया जा रहा है अवैध रूप से? जी, सरपंच द्वारा निर्माण हो रहा। सरपंच बोले यह घर मैं ही बनवाऊंगा, बनाया जाएगा यहाँ पर। आपके द्वारा उनसे कहा गया कि यहाँ पर सरपंच साहब घर मत बनवाइए, हमारा निस्तार रुक जाएगा? सरपंच का ही ना तो वर्तमान, आप यहाँ भूतपूर्व सरपंच भी? हाँ। अच्छा, कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि सरपंच की भूमिका संदिग्ध है, उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई रोक की नोटिस नहीं दी गई है, न किसी प्रकार कोई कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरा शासन प्रशासन, या यूं कहें कि जितने भी ग्राम पंचायत का जो अमला है जिनकी यहां पर भूमिका होनी चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए कि आपके द्वारा निर्माण कार्य न कराया जाए। आपकी पट्टे कब्जे की स्वयं की ज़मीन है, इसके बावजूद भी अगर निर्माण कार्य किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध। आप देख पा रहे हैं जैसा कि हमारे पीछे ये जो अवैध मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा, और स्थानीय लोगों द्वारा ही शिकायत दर्ज कराई गई है
कि उनके द्वारा हमारे जस्ट ठीक सामने अपने पट्टे कब्जे की जमीन है, परंतु वो अपने पट्टे कब्जे में मकान न निर्माण करा करके यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हरिजन आदिवासी बसे हुए हैं उनके निस्तार की भूमि में वो कब्जा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में जिनका यहाँ पर निस्तार है वो प्रभावित होंगे। उसके लिए आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये हमारे जस्ट ठीक सामने ये जो ज़मीन दिख रही है वो जो यहाँ पर निर्माण कार्य करा रहे हैं ये उन्हीं की ज़मीन है, और जी यहाँ पे बनाए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ जी स्थानीय लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि वो अपने पट्टे में मकान निर्माण कराए, मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उनसे एक बार फिर से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में उनकी जमीन है। हेलो चाचा, मतलब ये आपकी जमीन है सर? नहीं है, आपकी जमीन नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जमीन। अरे सबके बता ले पुल्ली फाट नहीं भाई, चार पट्टीदारों के साथ आजाद है भाई, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। इनमें इनमें अभी भी आपसी मतभेद है, क्या है क्या नहीं है ये तो अभी जांच का विषय है। राजस्व विभाग का अमला यहाँ पर आएगा, पुलिस विभाग का अमला आएगा, उसके बाद क्या निष्कर्ष होता है, क्या सत्यता है, उसकी जांच की जाएगी। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा इनको यह समझाइश दी गई है कि ये अवैध रूप से निर्माण कार्य यहीं पर अभी स्थगित करते हैं, जैसा भी आदेश आएगा उसके हिसाब से अपना कार्य संचालन। जानकारी मिली है किस तरह से रोहना में रोड के किनारे अवैध निर्माण कार्य हो रहा है मकान का, जी जिनमें आकर मौके पर देखा गया है मकान निर्माण कार्य करीब 5-7 फीट ऊपर मकान उठ चुका है, जी जिनमें बता रहे हैं कई लोगों का है मतलब शासन की जमीन में मकान बना रहे हैं दुकान करने के उद्देश्य से। अब जिन्हें समझाई दी गई कि बिना किसी जाने का आदेश से कोई मकान का निर्माण कार्य न करें, कार्य को बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों की बस्ती है और यहाँ पर हैंडपम्प है, इनके आम पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं जिनका आम निस्तार और धोना इस तरह से पाया जाता है, इसलिए इनको समझाई दी जा रही है कि जब तक किसी न्यायालय आदेश के बगैर कोई निर्माण कार्य न करें। ठीक है, यदि मान लीजिए आपके मौखिक आदेशों की ये अवहेलना करते हैं या निर्माण कार्य जारी रखते हैं, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? हेलो, आदेश देगी, उस आदेश के अनुसार कार्रवाई करेगी। फिलहाल मेरे काम इनको रोकने के लिए मना कर दिया है, दिया जा रहा है। धन्यवाद। अब